हेलो एवरीवन, श्री भगवानदास तोदी पीजी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो कक्षा है उसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो अपना डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पार्ट है गेस्टुलेशन, उसके बारे में। गेस्टुलेशन, इससे पीछे की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने स्टडी की थी क्लीवेज के बारे में, विदलन के बारे में, और उस वक्त हमने ये पढ़ा था कि विदलन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि ढेर सारी सेल्स का निर्माण होता है जिनको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं, और एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है जिसमें बाहर वाली जो सेल है, बाहर वाली जो लेयर है वो एक्टोडर्म के रूप में मौजूद होती है, और अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोडर्म के रूप में मौजूद होती है। अंदर की तरफ जो कैविटी बचती है, इस कैविटी को हम शील कहते हैं, कैविटी कहते हैं, और ये चूँकि ब्लास्टोमियर के द्वारा यहाँ पर बनी हुई है और ब्लास्टुला की ये सील या कैविटी है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्लास्टोसील, मतलब ऐसी कैविटी जिस जो कि ब्लास्टोमियर के द्वारा घिरी हुई हो, और इस कंप्लीट हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो बन रही थी, इस हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दिया था अपन ने, ब्लास्टुला का नाम दिया था। ये प्रक्रम हमने पढ़ा था, क्लीवेज का जो प्रोसीजर हमने जो पढ़ा था, क्लीवेज के जो टाइप हमने पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि ब्लास्टुला कितने प्रकार का होता है और ये किस तरीके से बनता है, और बनने की जो ये प्रक्रिया हमने पढ़ी थी उसको हम क्या कह रहे थे, ब्लास्टुलेशन कह रहे थे। तो आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसमें क्या है कि ये जो डबल लेयर्ड ब्लास्टुला है, डबल लेयर्ड जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टुला के रूप में जो डिफरेंशिएटेड है, उसकी जो सेल्स हैं वो अपने प्रिजम्प्टिव एरिया की तरफ मूव करती है, जो पूर्व संभावित जो इसके जो क्षेत्र हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, प्रिजम्प्टिव एरिया कह रहे हैं, क्षेत्र कह रहे हैं। अगर इनकी तरफ मोमेंट शुरू हो जाए तो उस मोमेंट के कारण क्या होगा, अपने अपने जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों की तरफ जो हैं ब्लास्टोमियर मूव करेंगे। ये जो ब्लास्टोमियर हैं इनमें चपटे होने की या फ्लैट होने की जो टेंडेंसी है वो इनमें मौजूद होती है, और एक ही प्रकार की जो लेयर है या फिर अंग है कोई भी ऑर्गन का जो फॉर्मेशन करता है, उस ऑर्गन के लिए जो डिफरेंशिएट होने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं वो एक साथ एक जगह इकट्ठे होकर के एक नए एरिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डबल एड स्ट्रक्चर है उसमें इस प्रकार से ब्लास्टोमियर जो हैं वो मूव करते हैं, उनके मूवमेंट के कारण एक अलग प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, और ये जो अलग प्रकार की स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, अब डबल लेयर्ड से ये कैसी थी, टू लेयर्ड थी, और ये फिर क्या हो जाएगी, थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर डिफरेंशिएटेड हो जाएगी, और ये जो डिफरेंशिएटेड होने का जो प्रक्रम है वो किस क्या कहलाता है, आकारिकी गति कहलाता है, जिसको हम कहते हैं मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट। तो इस मॉर्फोजेनेटिक मोमेंट के फलस्वरूप जो ये ब्लास्टोमियर हैं वो मूव करते हुए एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर से ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में डिफरेंशिएट जब हो जाते हैं, तो ये जो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, गेस्टुला कहलाएगी। ठीक है, और इस गेस्टुला के अंदर ये बाहरी जो लेयर है वो एक्टोडर्म के रूप में डिफरेंशिएट होती है, बीच वाली जो लेयर है वो मेसोडर्मल क्षेत्र के रूप में डिफरेंशिएट होती है, और अंदर वाली लेयर
एंडोडर्मल क्षेत्र के रूप में या लेयर के रूप में डिफरेंशिएट होती है। तो ये जो तीनों लेयर हैं, इन तीनों लेयर के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस्ट्रोलेशन कहलाती है, गैस्ट्रोला भवन कहलाती है। लेशन का मतलब यहाँ पर निर्मित होना है, बनना है। गैस्ट्रोला के बनने की प्रक्रिया क्या कहला रही है? गैस्ट्रोलेशन कहला रही है या गैस्ट्रोला भवन कहला रही है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि जब ये डबल एड स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो कैविटी थी, सिलोम थी, वो सिलोम क्या होती है, यहाँ पर फ्यूज्ड हो जाती है या फिर यहाँ से विलुप्त हो जाती है। जब इस तरीके से ये ब्लास्टोमियर का मूवमेंट होता है, तो ये जो सिलोम थी इस वक्त क्या होगी, इस जगह पर यहाँ से दिखाई नहीं देगी आपको यहाँ पर। तो एक अलग प्रकार की कैविटी का निर्माण हो जाता है। अक्सर एग्जामिनर जो हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दौरान पूछ लेते हैं कि ब्लास्टुला की जो कैविटी है वो ब्लास्टोसील कहलाती है, तो गैस्ट्रोला की कैविटी क्या कहलाएगी? तो बच्चे फिर क्या कह देते हैं कि ब्लास्टुला की कैविटी ब्लास्टोसील है, तो गैस्ट्रोला की कैविटी गैस्ट्रोसील कहलाई जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस गुहा को हम आद्यांत्र कहते हैं, आर्केंट्रोन कहते हैं, और इस आर्केंट्रोन का फॉर्मेशन होता है ये ब्लास्टोपोर के अंदर की तरफ, क्योंकि ये जो आर्केंट्रोन है, ये आर्केंट्रोन इससे अलग क्यों है? क्योंकि क्या होगा कि जब इसके अंदर मूवमेंट होगा और उस मूवमेंट के कारण अगर मान लीजिए किसी प्रकार का कोई इंग्रेशन शुरू होता है, तो ये इस तरीके की जो स्ट्रक्चर थी, ये स्ट्रक्चर क्या होगी? अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखें, आगे हम प्रकार भी पढ़ेंगे इसमें, अगर मूवमेंट इस तरीके का होता है तो यहाँ पर एक इंग्रेशन शुरू होगा, और इस इंग्रेशन के कारण यहाँ से क्या होगा कि ये ब्लास्टोमियर मूव करते चले जाएंगे और ये कैविटी क्या होगी, यहाँ से रिड्यूज हो जाएगी, मतलब यहाँ से ख़त्म होती चली जा रही है, और आगे फिर क्या होगा, इस तरीके से इनका मूवमेंट होगा, ठीक है। और इस मूवमेंट के कारण ये देखो धीरे धीरे यहाँ से ये विलुप्त हो जाएगी, और ये जो नई कैविटी बन रही है, ये कैविटी इस तरीके से बाहर के रूप में, खुले रूप में यहाँ पर मौजूद है। तो इस कैविटी का जो फॉर्मेशन है वो ब्लास्टोमियर के मूवमेंट के कारण बन रहा है, अलग तरीके से बन रहा है, जो कि एकदम से अलग है ब्लास्टोसील से, इसलिए इसका नाम जो है गैस्ट्रोसील न होकर के आर्केंट्रोन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये है गैस्ट्रोलेशन की प्रक्रिया, जो कि गैस्ट्रोला भवन कहलाती है, और गैस्ट्रोला का जो फॉर्मेशन है वो इसलिए ज़रूरी होता है कि जो मल्टी सेलुलर एनिमल हैं उनके अंदर अलग अलग अंगों का निर्माण होना होता है, और अलग अलग अंगों का जो निर्माण है उसके लिए सभी प्रकार की जो सेल्स हैं वो इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि टोटिपोटेंट हो, पूर्ण क्षम हो, और पूर्ण क्षम प्रकार की जो सेल्स हैं वो इन लेयर्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये जो तीनों लेयर हैं, आगे चल करके जब डेवलपमेंट का जो प्रोसेस शुरू होता है, तो उस डेवलपमेंट के दौरान अलग अलग हिस्सों का निर्माण करती हैं। जैसे हम बात करें ब्रेन का जो निर्माण है वो अलग प्रकार की लेयर करेगी, आँखों का अलग प्रकार की लेयर करेगी, इंटेस्टाइन का अलग प्रकार की लेयर करेगी, हाथ पैरों का जो निर्माण होना है वो अलग प्रकार की लेयर की जिम्मेदारी होती है। कौन कौन सी लेयर किस किस अंग के लिए उत्तरदायी है, इसकी स्टडी अपन आगे करेंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रोला में किस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है, इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस तरीके से संपन्न कराई जाती है। उससे पहले आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं कि जब गैस्ट्रोला का निर्माण होता है उस वक्त क्लीवेज रेट तो क्या होती है, एकदम से रुक जाती है, ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी, ऑक्सीडेशन रेट बढ़ जाएगी, ग्रोथ एकदम से रुक जाएगी, ठीक है, वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो एक बार के लिए रुक जाती है, और इन सेल का मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रहता है। आगे अपन बात करते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट जो है उस मूवमेंट वो किस प्रकार का होता है जिसके कारण इस गैस्ट्रोला का फॉर्मेशन होता है। मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रोलेशन, मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रोलेशन,
इसमें हम बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लास्टोमियर का मोमेंट होता है और इस मोमेंट इसकी जो मैकेनिज्म है वो ख़ास तौर पर एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट है, मोमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर। इसका आधार केवल यही है कि जो ब्लास्टोमियर मूव करते हैं उसके मोमेंट के कारण ही क्या होता है, एक गेस्टुला जो है उसका निर्माण होता है। अब ये जो यहाँ पर मोमेंट है वो मोमेंट दो प्रकार का होता है। पहला मोमेंट है एपिबोली और दूसरा है एम्बोली। इसको हम कहते हैं अध्यारोहिणी, इसको कहते हैं अंतरारोहिणी, ठीक है। तो एपिबोलिक मूवमेंट जो होता है उसमें वो सेल मूव करती हैं जो कि एक्टोडर्मल लेयर के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हैं। और ये जो प्रक्रम है एपिबोली का, ये दर्शाया गया था वॉक नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। जबकि एम्बोलिक प्रकार का जो मूवमेंट है उसमें एंडोडर्मल तथा मेसोडर्मल जो लेयर है वो डिफ्रेंशिएट होती है। और ये बताया गया था बेलिंस्की नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा इसको जो है विस्तार से समझाया गया था। हम बात करते हैं एपिबोलिक मूवमेंट की कि ये मूवमेंट किस तरीके से होता है। जैसे हम देखते हैं कि ये डबल लेयर्ड ब्लास्टुला है, और इस डबल लेयर्ड ब्लास्टुला के अंदर ये एनिमल पॉल, ये वेजिटल पॉल की तरफ मौजूद ब्लास्टोमियर्स हैं। हमने एक बात की यहाँ पर कि एपिबोलिक जो मोमेंट होता है उसमें वो सेल मूव करती हैं जो कि एक्टोडर्म के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हों। ये यहाँ पर है ब्लास्टोसील। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोशिकाएं यहाँ पर जो इसमें एपिबोलिक रूप में यहाँ पर मोमेंट हो रहा है, तो एपिबोलिक मोमेंट के अंदर एक्टोडर्मल सेल के रूप में डिफ्रेंशिएट होने वाली जो सेल्स हैं उनका मोमेंट बढ़ता जाता है और एक इंग्रेशन क्रिएट होता है इस तरीके से। ये बीच में मेगामियर मौजूद है, क्योंकि जो एक्टोडर्मल लेयर हैं उसमें फ्लैट होने की टेंडेंसी मौजूद होती है, चपटे होने की जो प्रवृत्ति है वो यहाँ पर पाई जाती है। आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ की जो सेल्स हैं वो थोड़ा सा अलग दिख रही हैं इससे, ऊपर की तरफ लार्ज सेल्स मौजूद हैं और ये चपटे होते हुए नीचे की तरफ मूव करती हैं। और इनका जब मोमेंट होता है तो इस तरीके से क्या होगा, एक ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर का निर्माण यहाँ पर करवा लिया जाएगा, ठीक है। और ये होता है मौजूद एम्फियोक्सस के अंदर, इस प्रकार का जो मोमेंट है वो देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं एम्बोलिक मोमेंट की। तो इस एम्बोलिक मोमेंट के अंदर क्या होता है,
इसको मिटा सकते हैं। यहाँ बना लेते हैं पहले एक बार और अपन एम्बोलिक मूवमेंट को, अपन यहाँ स्टडी कर लेते हैं। एम्बोलिक मूवमेंट में हमने ये पढ़ा कि वो सेल्स मूव करती हैं जो कि एंडोडर्मल तथा मेसोडर्मल लेयर के रूप में डिफ्रेंशिएट होती हों। तो यहाँ पर ये जो एम्बोलिक मूवमेंट है वो बेलिंस्की ने बताया था, और मूरे नाम के जो साइंटिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग प्रकार का होता है। इसमें हम देखते हैं जो इसका पहला प्रकार है वो है इन्वेजिनेशन, ठीक है। और इस इन्वेजिनेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो सेल्स इस तरीके से मौजूद हैं, इसी को समझा देता हूं मैं इसी डायग्राम को आगे की तरफ। एपिबोलिक मूवमेंट जो है वो एम्फियोक्सिस में देखने को मिल रहा है, ये इन्विजिनेशन को अपन यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ क्या होगा, जो वेजिटल पोल की सेल्स हैं, इन्विजिनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें वेजिटल पोल की जो सेल्स हैं वो धसना प्रारंभ कर देती हैं। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे आपने एक गुब्बारा लिया और गुब्बारे को आपने नीचे से दबाना शुरू किया इस तरीके से, ठीक है। ये इंग्रेशन है, धसना जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये जो सेल्स हैं वो धसना शुरू हो जाएंगी, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अभी चर्चा की अपन ने, कि जो वेजिटल सेल्स की तरफ वेजिटल जो एरिया है वेजिटल पोल का, उसकी तरफ मौजूद जो सेल्स हैं वो यहाँ पर छोटी आकृति में मौजूद हैं, इनकी साइज छोटी है। और जैसे ही आप एनिमल पोल की तरफ बढ़ेंगे, मैक्रो टाइप के जो ब्लास्टोमियर हैं उनको आप पाएंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जब ये इंग्रेशन शुरू हो जाता है, धसना शुरू हो जाती हैं सेल्स, तो धसने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, एक इस प्रकार की संरचना बन जाएगी जो कि ट्रिपल लेयर्ड के रूप में, ट्रिपल लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में आपको दिखाई देगी। और ये जो ब्लास्टोसील थी यहाँ पर, केविटी थी, शिलोम थी यहाँ पर, वो शिलोम क्या होगी, इस तरीके से यहाँ पर आपको रिड्यूज होते हुए दिखाई देगी। ये जो अभी मैंने बनाया है इसको मैं ग्रीन पेन से शो कर देता हूँ। ये क्या है, अंदर की तरफ जो खोखली आपको दिख रही है बहुत ही पतली लेयर के रूप में, ये सिलोम थी, और बाहर की तरफ इस तरीके से ये सेल्स का निर्माण हो जाता है। एकदम बाहर की तरफ जो मौजूद है वो एक्टोडर्म है, और बीच में ये जो एरिया है मेसोडर्म के रूप में, अंदर वाला एंडोडर्म के रूप में, और बाहर की तरफ एक्टोडर्मल लेयर के रूप में ये संरचना बन जाती है। तो इन्विजिनेशन का जो प्रोसेस है उसको हम देखते हैं, इसका एग्जांपल है एम्फीबिया, ठीक है। फ्रॉग वगैरह में हम इस प्रकार का जो प्रक्रम है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट जो है ब्लास्टोमियर का, वो हम देख सकते हैं, जिससे कि एक डबल लेड जो ब्लास्टुला है वो किस तरीके से ट्रिपल लेड स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें दूसरा जो इसका प्रोसेस है वो है इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर तो चपटे होकर के
फ्लैट होकर के ब्लास्टोमियर का मूवमेंट हो रहा था, चपटे होकर के जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि इन्वोल्यूशन के प्रोसेस में रोलिंग या फिर टर्निंग का प्रोसेस यहाँ पर देखा जाता है। और ये जो इन्वोल्यूशन का प्रोसेस है वो ठीक इसी प्रकार का होता है, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर जो मूवमेंट होता है उसमें सेल्स जो हैं, ब्लास्टोमियर्स जो हैं, वो लुढ़क करके क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और लुढ़क करके मूव कर रहे हैं, और इस तरीके से डबल लेड स्ट्रक्चर वो ट्रिपल लेड में कन्वर्ट हो रही है। और इन्वोल्यूशन का जो एग्ज़ाम्पल है वो है आपके बर्ड्स, ठीक है। आगे हम देखते हैं पॉली इन्विजिनेशन। पॉली इन्विजिनेशन, इसको आप इन्विजिनेशन के जो प्रोसेस है उससे आप जोड़ करके देख सकते हैं। इन्विजिनेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था कि केवल वेजिटल पॉल की जो सेल्स हैं उसकी तरफ से क्या है, इन्ग्रेशन शुरू हो रहा था। पॉली इन्विजिनेशन में क्या होता है, ये दो प्रकार का होता है, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। ये आप एम्फीबिया के अंदर भी देख सकते हैं, इसे भी आप बर्ड्स के अंदर देख सकते हैं। तो यूनिपोलर और मल्टीपोलर में फ़र्क क्या है यहाँ पर पॉली इन्विजिनेशन में, कि इन्विजिनेशन का जो प्रोसेस था उसमें केवल एक ही साइड से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था, और यहाँ पर यूनिपोलर में क्या होगा, केवल एक दिशा से, कोई भी एक पोल हो सकता है, वहाँ से क्या होगा, ब्लास्टोमियर जो हैं वो मूव करेंगे केवल एक दिशा से, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। जबकि मल्टीपोलर में क्या होता है कि अलग अलग जगहों से जो हैं वो सेल्स जो हैं वो माइग्रेट करके रूफ ऑफ आर्किंट्रोन का फॉर्मेशन करती हैं, आद्यांत्र की छत का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है पॉलीइन्विजिनेशन का वो दो प्रकार का हुआ, यूनिपोलर और मल्टीपोलर। आगे हम देखते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन जो चिक एम्ब्रियो है उसके अंदर आप इस तरीके का प्रोसेस देख सकते हैं। ये इनफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो उन अंडों में देखने को मिलता है जो कि पॉलीलेसिथल प्रकार के होते हों। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो पॉलीलेसिथल एग होते हैं उनके अंदर अत्यधिक मात्रा में योक की अमाउंट मौजूद होती है, साइटोप्लाज्म जो हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यहाँ पर मौजूद होता है, ये यहाँ पर योक मौजूद है। तो इनफिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ यहाँ पर मौजूद हैं सेल्स एपिब्लास्ट के रूप में, ये जो सेल्स हैं ये क्या होंगी, नीचे की तरफ धंसना शुरू हो जाएंगी और योक के ऊपर की तरफ एक अलग लेयर का फॉर्मेशन यहाँ पर ये कर लेती हैं। ये ब्लास्टोसिलिक कैविटी है, और इसमें ये जो ऊपर की तरफ जो एपिब्लास्ट वाली सेल्स हैं ये मूव करती हैं, और मूव करने के बाद नीचे की तरफ एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिनको हम हाइपोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ से जो हैं सेल्स मूव करती हैं, ये आप देख रहे हैं,
कुछ सेल्स मूव करती हैं और ये मूव करके नीचे की तरफ यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं और हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस प्रकार का मूवमेंट जो है वो चिक एम्ब्रियो के अंदर देखने को मिलता है। इसमें एक और है लास्ट, जिसको हम कहते हैं डीलेमिनेशन, जो कि टीलियोस्ट प्रकार की जो मछलियाँ हैं, टीलियोस्ट फिशेज हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। इसको भी हम समझ लेते हैं, डीलेमिनेशन। डीलेमिनेशन का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है कि जो बीच में बिखरी हुई सेल्स हैं इस तरीके से मान लीजिए, बीच के अंदर जो बिखरी हुई सेल्स हैं उनका मूवमेंट होता है यहाँ पर ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर पहले से मौजूद है ब्लास्टुला की, और बीच में जो बिखरी हुई सेल्स हैं उनका मोमेंट होना शुरू हो जाता है इसमें। से मान लीजिए ये है और ये क्या होगी, इन दिशाओं की तरफ बढ़ते हुए एक अलग प्रकार की लेयर का निर्माण कर लेती हैं यहाँ पर। टीलियोस्ट जो मछलियां हैं उनके अंदर इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है गैस्ट्रोला का वो देखने को मिलता है। ये जो हैं इसकी जो छत है उसके अंदर एक तीसरी लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं किसके अंदर, टीलियोस्ट फिशेज के अंदर। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा गैस्ट्रुलेशन और इसकी मैकेनिज्म। इसका क्या है कि एक तो ये इंडक्शन में हेल्प करता है, फैट मैप में हेल्प करता है। ये गैस्ट्रुलेशन में जो डिफरेंशिएशन होता है, विभेदन होता है, उस विभेदन से क्या है कि अलग अलग जो अंगों का निर्माण होता है उनमें भी सहायता मिलती है। उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है आप अच्छे से समझ पाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे की जो कक्षा है उसकी स्टडी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।